आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून की झांकियों की देखिए लाइव तस्वीरें। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और ध्वजारोहण किया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही झांकियां निकाली गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 9.5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत तेजी से कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। जन भागीदारी एवं जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। आकर्षण का केंद्र होगी सूचना विभाग की झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार आकर्षण का केंद्र सूचना विभाग की झांकी रही। सूचना विभाग के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग की ओर से विकसित उत्तराखंड की झांकी का निर्माण किया गया है। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।